हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों? बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्लास सिक्स का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमारे पास टॉपिक है फाइंड द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 10। ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेके मैं आज आपको क्लियर करवाने वाली हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्लास सिक्स में, फिफ्थ में भी ये टॉपिक चलता है, प्राइम और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड टॉपिक। पहले हम क्लियर करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, बहुत ही ईजी वे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। सबसे हम इनकी डेफिनेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विद ओनली टू फैक्टर्स। इज दैट वन एंड द नंबर इट्सेल्फ। किसी भी नंबर का फैक्टर वन और वही नंबर हो, मतलब कोई भी नंबर उसके फैक्टर बनाने पर वो सिर्फ वन के टेबल में आए या अपने टेबल में आए, सिर्फ दो ही फैक्टर बने, वो होता है हमारा बच्चों प्राइम नंबर। और इसके अलावा जो कंपोजिट नंबर है उसकी डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर नंबर विद थ्री एंड फोर फैक्टर्स। जिस नंबर के तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स बने, 3, 4, 5, 6, मोर देन 3, 4, वन से या इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर्स बने, वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर। नंबर्स विद 3 and 4 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब हम डिफाइन करेंगे कि जिस नंबर का फैक्टर वन हो या इटसेल्फ हो, वो होता है हमारा बच्चों प्राइम नंबर। जो सिर्फ अपने टेबल में जाए और वन के टेबल में जाए, वो तो होगा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर होता है कि जिसके तीन से चार से ज़्यादा फैक्टर्स बने, वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर। इट मीन्स वो वन पे भी जाए, टू पे भी चला गया, थ्री पे भी चला गया, दो से ज्यादा फैक्टर्स आ जाए तो इट मीन्स वो कंपोजिट नंबर है। और जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स हो, वन और इटसेल्फ, वो होता है हमारा बच्चों प्राइम नंबर। अब हमारा मेन क्वेश्चन है क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 20 काउंटिंग में हमें प्राइम नंबर अलग करने हैं और कंपोजिट नंबर अलग करने हैं। तो बच्चों एक साइड हम लिख देते हैं प्राइम नंबर और दूसरी साइड लिख देते हैं हम कंपोजिट नंबर। यहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टू। बच्चों हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? टू हमारा जाएगा अपने टेबल पे और वन के टेबल पे जाता है। टू वन जा टू और वन के टेबल पे जाएगा टू, इट मीन्स ये हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है थ्री। थ्री बच्चों किसी टेबल में नहीं जाता, सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और वन के टेबल पे जाता है, इट मीन्स थ्री भी हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। फिर आएगा फोर। फोर किस किस के टेबल में आता है? फोर वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, इट मीन्स वो हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अगला नंबर है फाइव। फाइव बच्चों किस टेबल में जाएगा? वन पे और अपने टेबल पे, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। सिक्स, सिक्स के फैक्टर्स बनेंगे, वन टू थ्री पे भी जाता है और सिक्स पे भी जाता है। दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। फिर नंबर सेवन। सेवन के बच्चों दो फैक्टर बनेंगे, एक वन और एक इटसेल्फ। और एट के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आता है नंबर नाइन। नाइन के फैक्टर्स बनते हैं वन के टेबल पे, थ्री के टेबल पे और नाइन के टेबल पे।
तो बच्चों दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। 9 के बाद आता है 10, 10 भी हमारा कंपोजिट है क्योंकि वो 1 के टेबल पे भी आता है, 2 पे भी आता है, 5 पे भी आता है, 10 पे भी आता है। फिर आएगा 11, 11 बच्चों सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है, इट मीन्स वो हमारा प्राइम नंबर है। 11 के बाद आएगा 12, 12 हमारा हो गया कंपोजिट नंबर क्योंकि वो 1, 2, 3, 4, 6 सब टेबल्स में आता है, मोर देन 2 फैक्टर्स है उसके। 12 के बाद 13, 13 सिर्फ अपने टेबल पे और 1 के टेबल में आता है। उसके बाद 13 के बाद 14, 14 भी कंपोजिट नंबर हो गया, 15 भी कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि 15 1 के टेबल में, 2, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है। फिर आएगा 16 भी कंपोजिट है, 17 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 17 बच्चों सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल पे आता है। नेक्स्ट नंबर है 18, 18 कंपोजिट नंबर हुआ क्योंकि 1, 2, 3, 6, 9 इन सब टेबल्स में आता है, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं इसके। उसके बाद है 19, 19 हमारा क्या आएगा प्राइम नंबर में क्योंकि 19 सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में जाता है। एंड द लास्ट नंबर इज 20, 20 हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो बच्चों ये थे 1 से 20 तक के प्राइम नंबर अलग किए हमने, कंपोजिट नंबर अलग किए। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने 1 क्यों नहीं लिखा, हमने काउंटिंग 2 से स्टार्ट क्यों की, क्योंकि बच्चों जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो इसका एक फिलअप्स बनेगा, 1 इज द नंबर ओनली, नोर हैज प्राइम एंड नोट हैज कंपोजिट नंबर। तो हम स्टार्ट हम करेंगे 2 से, 2 प्राइम में आएगा, 3 प्राइम में आएगा, 5 प्राइम में आएगा, 7 प्राइम में, 11, 13, 17 एंड 19 और कंपोजिट नंबर आएंगे जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो बच्चों ये था हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग के अंदर के प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं, तो इस वीडियो के बाद आप किसी भी नंबर्स के प्राइम और कंपोजिट नंबर सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थ।